नींद की समस्या को कर देंगे जड़ से खत्म। जानिए क्या करना चाहिए। आज बात करते हैं इंसोम्निया के बारे में। करीब करीब 10 से 20% लोग आम आबादी में नींद की समस्या से ग्रस्त है और नींद की उनको समस्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको नींद जल्दी आती नहीं है, जब बेड पर लेटे जल्दी नींद नहीं आती, फिर करवटे बदलते रहे, इधर से उधर उधर से इधर करते रहो। कुछ लोग बोलते हैं नींद आती है मगर नींद बीच में खुल जाती है और एकदम फ्रेश हो जाएंगे और फिर सवेरे तक आना जाना जिनका चलेगा और फिर सवेरे फ्रेश नहीं लगता, ऐसा लगता कि नींद हुई नहीं। तीसरा है कि नींद आती भी है रहती भी है मगर सवेरे जल्दी खुल जाती है और बाद में फिर लगती नहीं है। तो एक को प्रॉब्लम है ऑनसेट का, दूसरे को प्रॉब्लम है मेंटेनेंस का कि मेंटेन नहीं होती है नींद, और तीसरे का प्रॉब्लम है अर्ली मॉर्निंग का। कुछ लोग नींद का इस्तेमाल, मतलब नींद नहीं आती है तो सेक्स का इस्तेमाल करते हैं कि वे सेक्स कर लो उनको अच्छी नींद आ जाती है, सेक्स नहीं किया तो आती नहीं है, मतलब वो सेक्स उनके लिए एक नींद का नींद की दवाई है। जो लोगों को शिफ्ट ड्यूटी है ना, शिफ्ट ड्यूटी, तो उनको ये नींद का प्रॉब्लम आता रहता है। वैसे दिमाग के ऊपर बहुत तनाव है, स्ट्रेस है ना, कोर्ट कैसे चल रही है, पति पत्नी का पट्टा नहीं है, घर में कोई बीमार है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब त्रस्त है दिमाग, मानसिक आघात हुआ है, कोर्ट कैसे चल रही है, तो ये नींद का प्रॉब्लम आता है, फिर नींद जल्दी आती नहीं है। फिर उम्र के हिसाब से 55-60 के बाद में लोगों को जल्दी नींद नहीं आती है, जल्दी खुल जाएंगी। जिनके बच्चे एकदम छोटे वो माँ को प्रॉब्लम रहता है कि बच्चा जल्दी जल्दी उठ जाता है और उनका नींद बच्चे के नींद के साथ साथ मैच करना पड़ता है। अच्छा, नींद आई नहीं बराबर, नींद आती नहीं है तो फिर होता क्या है? नींद बराबर हुई नहीं तो बहुत एसिडिटी लोगों को होती है, बहुत ही एसिडिटी, जी मचलाना, बहुत ऐसा ऊपर ऊपर आना अनाज, फिर लोगों को फ्रेश लगता नहीं है सुबह उठने के बाद में, काम करने की इच्छा नहीं होती है, उत्पादन क्षमता कम रहती है, उबासी आती है कंटिन्यूसली, बस ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, उबासी आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं होता काम करने में, फिर दिन में नींद आती रहती है, मोटापा आता है लोगों को, क्यों लोग क्या करते हैं कि नींद नहीं आए फिर खाते रहते हैं। कुछ लोगों को नींद नहीं आए तो बीपी का प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऐसे इसमें फिर नींद के प्रॉब्लम से ये सब बीमारियाँ होती रहती है। बीमारी मानसिक बीमारी यदि होती है ना, सबसे पहले प्रॉब्लम जो होता है नींद गायब होना, नींद का नहीं आना सबसे पहला प्रॉब्लम। तो अभी इसमें होता क्या है कि नींद फिर दिन में आती है लोगों को, फिर दिन में वो कॉफ़ी पीते जाएंगे, चाय पीते जाएंगे एक के पीछे कि नींद आ रही है, काम तो करना पड़ रहा है, फिर लोग कॉफ़ी एडिक्ट बनते हैं, चाय के एडिक्ट बनते हैं, सिगरेट के एडिक्ट बनते हैं, ऐसा करते रहते फिर लोग, और वैसे भी आउटपुट तो बहुत कम होता है। अब इसके लिए करना क्या है, ये सब प्रॉब्लम है तो करना क्या है? तो करना यह है कि भाई आपने दवाइयाँ रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग दवाई रेगुलरली लेते हैं, होता क्या है कि अल्प्राजोलाम जैसी दवाई है वो आप एक गोली लेते हैं ना, 21 दिन बाद में आपको 2 गोली लग सकती है और 21 दिन बाद में आपको 3 गोली लगेंगे, मतलब डोज बढ़ता जाता है, एडिक्शन होते रहता है। तो जितना हो सके उतना दवाई मत लो, मगर अभी बहुत ही एज हो चुकी है, 80-85 है, ऐसे भी लोग आते हैं, फिर मैं बोलता हूँ ठीक है यार अभी कितने दिन जीना है और चलो लेने दो दवाई, दवाई लेकिन अच्छी आती है ना सोने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना एडिक्शन होगा और कितने साल जीना है पता नहीं, मगर 35-40 साल का है और वो नींद के लिए दवाई खा रहा है तो एडिक्शन हो सकता है और उससे बचना चाहिए, इसलिए दवाई जितनी कम खा सकते या नहीं खा सकते उतना अच्छा है। फिर नींद अच्छी करने के लिए क्या है, तो जीवन शैली में बदल करना पड़ेगा, रेगुलर हैबिट्स, मतलब समय पर खाना खाना, समय पर काम पे से आना, समय पर सोना और समय पर उठना,
कभी कभी ऐसा होता है ना कि नींद आती नहीं है, फिर बोलते लोग नींद सवेरे आ जाती है या दिन में आ जाती है। मैं बोला ऐसा करो, आप सवेरे सोना नहीं है, दिन में सोने का नहीं है। नहीं बोले सवेरे सोए दोपहर को सोए तो फिर ठीक रहता है ना। फिर बोला रात को नहीं आती ना, उसका क्या? तो समझो आपको आज रात को नींद नहीं आई तो फिर कल सवेरे दिन में भी सोने का नहीं है, छुट्टी निकालो आराम करो। फिर रात को इतनी नींद आ जाएंगी कि आपको फटाक से बेड पर लेटे लेटे नींद आ जाएगी, क्योंकि अभी आप रात में भी सोए नहीं दिन में भी सोए नहीं, मगर दोपहर को सो गए फिर रात को नींद नहीं आएंगे और फिर अपना सर्कैडियन रिदम जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए एक बार नींद रात को आती नहीं तो दिन में बिल्कुल सोने का नहीं है जब तक वो साइकिल ठीक नहीं होती तब तक। तो जीवन शैली में रेगुलरिटी नंबर एक। नंबर दो, मोबाइल का वापर रात को सोने के 3 घंटे पहले से बंद करना चाहिए। नोटिफिकेशंस बंद, टिंग टोंग बंद, स्क्रीन टाइम बंद 3 घंटे पहले। टीवी नहीं, एक्साइटमेंट की कोई यूट्यूब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एक्साइटमेंट की स्टोरी है, मूवी है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, दुख है, इमोशनल स्टोरीज है, बिल्कुल नहीं देखने का। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा व्यायाम करते हो, थक जाते हो तो नींद आ जाएंगे। यूजली मैं एडवाइस करता हूँ दोपहर को चाय, मतलब 4 के बाद में चाय, कॉफ़ी, शराब, चाय के बाद में, 4 के बाद में पीने का नहीं है। क्यों आता है? सब स्टिम्यूलेंट है और 4 के बाद आप पीते हैं तो रात को जल्दी नींद आती नहीं है। कुछ लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि भाई गुनगुने पानी से नहा लो तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी, तो बाथ लेना। नींद के समय शांत जगह पे सोने का है और वही बेड पर और वही जगह पे सोना है, बदलने का नहीं है। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जगह बदल देते हैं तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एकदम डिम लाइट होना, शांत जगह होना, वो कमरे में टीवी चालू है, लोग बड़बड़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, नेचुरली आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। हिप्नोथेरेपी से अच्छी नींद आती है। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ है कि आप सो गए बेड पर, ईयरफोन लगा दिए और सुन रहे हिप्नोटिक सेशन, तो सोते सोते आपको नींद लग जाएगी, टेंशन मत लो। मेडिटेशन से भी अच्छी नींद आती है। और जब तक आपको नींद आती नहीं अच्छी तब तक बेड पर जाना नहीं। बेड का इस्तेमाल सिर्फ 2 काम के लिए, एक सिर्फ नींद के लिए और एक सेक्स के लिए, बाकी बेड पर जाने का नहीं है। कि बेड पर बैठे किताबें पढ़ रहे, टीवी देख रहे, यूट्यूब देख रहे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है बेड पर। तो बेड का कंडीशनिंग ऐसा होना चाहिए कि भाई आप बेड पर सोते तो नींद आ गई, कंडीशनिंग है वो। बहुत लोगों को मैं क्या करता हूँ, बोलते यार गोली तो नहीं होना, मगर मैं बहुत लोगों को गोली देता हूँ, बोलता हूँ कि आप ऐसा करो तकिया के नीचे गोली रखो। अब उनको एक तसल्ली है कि नींद नहीं आई तो गोली मेरे पास में है, बस वो गोली रखने से भी उनको नींद आ जाती। सिर्फ गोली रख दिया तो उनको लगता नहीं यार कुछ ना कुछ है अपने पीछे, तो उनको नींद आ जाती है। फिर हम ऐसा बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो नींद के लिए, और कि जैसा हम बोलते कि श्री राम का नाम लो, राम 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 1008 बार बोलो, तो उसमें वो मन गुता लगता है, गुता रहता है, और फिर वो नींद कब लगती मालूम नहीं रहता। क्योंकि क्या होता है, विचार आते विचार आते विचार आते, टेंशन आता, हार्ट बीट बढ़ेंगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, और फिर उसमें स्टीरॉयड सिक्रेशन होगा, एड्रेनलिन सिक्रेशन होगा, और उससे नींद गायब हो जाती। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसा करो, कल्पना करो बेड पर लेटे लेटे कि भाई आप समुद्र किनारे हो, वो रेत में आपने एक लकड़ी से 100 लिखा, रेत में गीली रेत में 100 लिखा, फिर पानी की लहर आई, पानी की लहर आई और वो उसको मिटा के चली गई वापस, तभी 100 मिट गए, फिर आपने 99 लिखा। किनारे पर आप खड़े हो, फिर पानी आया, फिर वो मिटा के लेकर गया, फिर 98 97, ऐसा करो और उसमें आप लगे रहेंगे ना तो नींद कब आएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। मतलब आपका ना दिमाग जो है कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, फिर करवटे बदल रहे इधर से उधर, उधर से इधर, नींद नहीं आ रही, अरे बाप रे 11:30 हो गए, 12:15, 12, 12:30, 1, ऐसा देखते रहेंगे तो नींद आती नहीं। सो वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, नींद आ नहीं रही बोले नींद आएंगी नहीं। तो नींद की राह मत देखो, मतलब आप नींद के पीछे जाएंगे तो नींद नहीं आएंगी। नींद ने आपके पीछे आने को ना कि कब बेड पर आता और कब मैं इसको लिपट के ले ली थी अपने भावों में, मतलब इस तरह का होना चाहिए। तो नींद की राह मत देखो, नींद ने आपकी राह देखना चाहिए कब बेड पर आता है। तो इस तरह का आप इलाज करेंगे तो डेफिनेटली नींद का प्रॉब्लम निकल जाएगा। बहुत लोगों को काफ़ी सारी दवाइयाँ जो है ना वो एक्साइटमेंट वाली दवाई रहती है, स्टिम्यूलेंट, ब्रेन स्टिम्यूलेंट, तो उनसे नींद आती नहीं है। तो वो देखो कि आपको कौन सी दवाई चल रही है और वो दवाई से ब्रेन को एक्साइटमेंट मिल रही है क्या और उसकी वजह से नींद नहीं आ रही क्या, तो दवाई बदल डालो, उसका टाइमिंग बदलो।
क्योंकि बहुत सारी दवाई ऐसी कि वो ब्रेन को स्टिम्युलेट करती है और फिर रात को नींद नहीं आती, तो दवाई बदलना पड़ेगा। तो ऐसा आप करते हैं तो अच्छा हो जाएगा। और यदि आपको बिना कुछ वजन नींद नहीं आ रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर को कांटेक्ट करो, क्योंकि बिना कुछ वजन नींद नहीं आ रही है, विचार बहुत आ रहे हैं, तो दवाई लेनी पड़ेगी। क्योंकि नींद यदि आपकी होती है 7-8 घंटे, नींद अच्छी होती है तो आपको मानसिक बीमारी नहीं होगी। नींद नहीं आ रही है इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, और 2-3 दिन 4 दिन नींद नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, कोई ना कोई बीमारियाँ लग जाएंगी। तो नींद 7 से 8 घंटे लेना जरूरी है। नॉर्मली एवरेज जो है वो है 1 हफ्ते में 49 आवर्स, 49 घंटे नींद एवरेज में हफ्ते भर में होना चाहिए। मतलब किस दिन कम हो गई तो किस दिन उसको कॉम्पेंसेट करके ज़्यादा कर लो। कोई कारण से आप 4 ही घंटा सो पाए, दूसरे दिन ज़्यादा करो, टोटल लगाओ हफ्ते भर में 49 आवर्स नींद एवरेज में होनी चाहिए। वो आपको अच्छा लगा तो तमाम लोगों को शेयर करो, क्योंकि नींद का प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। नींद यदि अच्छे हो जाएंगे ना, अपने देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब लोगों की बढ़ेंगी तो देश की बढ़ेगी। और हम जो चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है आज 5 नंबर पे है दुनिया में, वो 1 नंबर पे चले जाएंगे सिर्फ नींद का प्रॉब्लम ठीक कर लिया तो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।